हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। इकोनॉमिक्स में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस होती हैं अपवाद, लॉ ऑफ डिमांड की अपवाद। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पीछे पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्या होता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब हमारी किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु की प्राइस कम हो जाती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इसकी एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर ये लागू नहीं होता। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि जो हमारी कर्व आ रही थी वो इस तरह से आ रही थी। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी जो हम ले रहे थे उसको हमने इस तरह से ड्रॉ किया था, लेकिन डाउनवर्ड स्लोप थी हमारी। लेकिन अब हमारी ये स्लोप जो है ये कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। मींस प्राइस बढ़ने के साथ साथ उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसको ये इसलिए ये स्लोप जो है आपको पॉजिटिव दिखाई गई है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, हम ले रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस। ये होता है प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं होती हैं, मींस जिसको सोसाइटी में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, ऐसी वस्तुएं जिससे ये समझा जाता है कि अगर ये हमारे पास हैं तो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा बनी है। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो होती हैं डायमंड, ज्वेलरी, गोल्ड, जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब इनके रेट बढ़ जाते हैं तो जो सोसाइटी है मींस जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इनकी मांग ज़्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में जो इसको क्या माना जाता है, प्रतिष्ठा का सिंबल माना जाता है। इस वजह से वो अपनी डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर ये चीज़ लागू नहीं होती। सेकंड है हमारा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स कई बार कंज्यूमर क्या सोचता है कि अगर उसको कोई कम प्राइस की चीज़ दिखाई जाए तो उसको लगता है कि नहीं ये तो हल्की है। ठीक है, तो उसके माइंड में एक सेटअप हो चुका होता है माइंड में कि नहीं, महंगी चीज़ ही जो है वो अच्छी होगी। तो इस तरह की बातों पर भी, इस तरह की जो इग्नोरेंस है उसकी वजह से भी हमारी जो डिमांड स्लोप है वो पॉजिटिव जाएगी। नेक्स्ट है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स में हम लेते हैं, गिफन गुड्स होती हैं घटिया वस्तुएँ। ठीक है, एक तो होती हैं सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं मींस जो हमने बात की थी, सामान्य वस्तुओं पर लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। ठीक है, लेकिन इन पर नहीं होता। इन पर क्यों नहीं होता, कि ये कुछ ऐसी घटिया वस्तुएं होती हैं कि जिन पर प्राइस के साथ तो इनका पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस और डिमांड की बात करें तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम होती है, लेकिन इनकम के साथ इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है। मीन्स अगर कंज्यूमर इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, अगर कंज्यूमर इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। इट मीन्स इसका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा। ऐसी गिफन गुड्स, ऐसी घटिया वस्तुएँ, उसको हम बोलते हैं एक विशेष घटिया वस्तु भी बोला जाता है, जिसमें आप सेला राइस और बासमती राइस वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हमारी सेला राइस की प्राइस बढ़ जाती है तो कुछ लोगों की सेला और बासमती तो उससे डबल प्राइस होता है, तो बासमती तो ऑटोमेटिकली कॉस्टली होगा ही, तो सेला की प्राइस जब बढ़ जाएगी तो मोस्टली लोगों की पहुँच में सेला राइस ही आएगा। तो उससे क्या होगा, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ रही है। और अगर हमारी कंज्यूमर इनकम की बात करें कि हमारी अगर इनकम हमारी कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इनकम के साथ में नेगेटिव बताया ना, इनकम कम होगी तो हम उसको लेंगे, अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम बासमती राइस लेंगे। ठीक है, तो उसके साथ इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। ये तो थी हमारी गिफन गुड्स। और हिंदी मीडियम में भी यही सेम पॉइंट्स ले रहे हैं हम। इसके अपवाद फर्स्ट ले रहे हैं कि ये जो हमने मान्यताओं में ली थी उसमें से एक दो पॉइंट इन्होंने लिए हुए हैं। इसमें तीन पॉइंट हैं, इसमें पांच दिए हुए हैं आपको हिंदी मीडियम में। तो भविष्य में वस्तु की पूर्ति कम होने की संभावना, अगर मींस इन फ्यूचर उस चीज़ की सप्लाई कम होने वाली होती है लेकिन अब प्राइस बढ़े हुए हैं, तब भी क्या करेंगे, हम स्टॉक कर लेंगे, उसको लेके हम उसको स्टॉक करके रख लेंगे, तो उस केस में ये नियम लागू नहीं होगा। सेकेंड जो हमने पढ़ी गिफन गुड्स, घटिया वस्तुओं पर ये नियम जो है लागू नहीं होगा, वो मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर की इनकम के साथ इसका नेगेटिव रहता है रिलेशन और प्राइस के साथ इसका पॉजिटिव रहता है, सेकंड है हमारा। और सामान्य वस्तु में क्या होता है, सामान्य वस्तु में इससे उलट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा अज्ञानता। अज्ञानता के कारण कई बार क्या होता है कि जो चीज़ महंगी है हम उसको लेना पसंद करते हैं। इसी तरह भविष्य में किसी वस्तु की कीमतों में कमी या वृद्धि की आशा होती है। अगर लगता है हमें इन फ्यूचर इसकी कीमत बढ़ने वाली है तो हम अभी ले लेते हैं, है ना। अगर लगता है कि नहीं कम होने वाली है तो हम क्या करते हैं उसको बाद में लेते हैं। ये हमने मान्यताओं में किया था ये पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएँ, जो अभी मैंने डायमंड ज्वेलरी की बात की, ठीक है, कि उनकी क्या होती है कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ती जाती है। तो यही इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं और यही डिमांड का रवि उन्होंने पॉजिटिव स्लोप दिखाया हुआ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। अब इसमें क्या डिफरेंस है हमारा, चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड मीन्स जब हमारी क्वान्टिटी में चेंज आ रहा है, चेंज इन डिमांड मीन्स जब हमारी मांग में चेंज आ रहा है। क्वांटिटी वाला जो है, क्वांटिटी में जो चेंज आएगा उसमें आपने ये ध्यान रख कर चलना है कि जो क्वांटिटी में चेंज आता है वो ड्यू टू प्राइस आता है। मींस इसमें सिर्फ प्राइस इफ़ेक्ट करेगा, जब हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी सिर्फ प्राइस इफ़ेक्ट करेगा। और इसमें क्या होगा हमारा चेंज इन डिमांड में क्या होगा, इसमें अदर फैक्टर्स जो हमने माने थे, अदर फैक्टर्स जो रिमेन कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल जिसमें हम मान कर चल रहे थे, उन चीज़ों में चेंज आएगा। इट मीन्स इसमें जो हमारा ये दिखाया गया है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा, कॉज्ड बाय प्राइस, ओनली प्राइस, चाहे फॉल है चाहे राइज है। ओके, इसमें चेंज बाय कॉज्ड बाय चेंज इन अदर फैक्टर्स, जो हमने अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट माने थे उसमें फ़र्क आएगा। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं जब हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। क्वांटिटी डिमांड में हमारा क्या चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांड जब हमारी प्राइस कम होने के साथ हमारी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाती है। मींस प्राइस कम हुआ हमने डिमांड बढ़ा दी, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। और इसी तरह से आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसमें क्या होगा हमारी प्राइस बढ़ने के साथ हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। देख रहे हैं आप दोनों में नेगेटिव है, जब हमारा प्राइस कम हुआ तब हमारी डिमांड हमने क्या की बढ़ा दी, जब हमारा प्राइस बढ़ा हमने डिमांड क्या की कम कर दी, ठीक है। जहाँ यहाँ 5 था पहले तो 1 यूनिट ले रहे थे, फिर 1 है तो 5 लेने लग गए हैं, यहाँ 1 था 5 ले रहे हैं, 5 हुआ तो 1 लेने लग गए हैं, ठीक है। तो इसको हम हिंदी मीडियम में भी करेंगे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को। सबसे पहले तो यही कि मांग की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम मात्रा में परिवर्तन ही ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मांग में विस्तार, ठीक है। मांग में वृद्धि या कमी नहीं बोलेंगे, मांग में वृद्धि या कमी हम तब बोलेंगे जब मांग में परिवर्तन करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, मांग में मांग की मात्रा में परिवर्तन, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, ठीक है। तो मांग में विस्तार कब कहा जाएगा, जब प्राइस कम होने पर हमारी मांग बढ़ जाएगी, जब प्राइस कम होने पर हमारी मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें यहाँ इक्वल लेकर चल रहे हैं हम, तो यहाँ भी वैसे ही लिखा जाएगा, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की केवल कीमत में कमी होने पर उसकी मांग अधिक हो जाती है। अब क्या कहा गया है कि कीमत कम हुई तो उसकी मांग अधिक हो गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, मांग में विस्तार, ठीक है। और मांग में विस्तार कैसे होगा कि कीमत कम हुई, कीमत यहाँ है ना हमारी, कीमत में कमी हुई तो हमारी मांग बढ़ गई। तो ये जो एरो दिखाया गया आपको, ये दिखाया गया मांग का विस्तार। इसी तरह से मांग का संकुचन, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की केवल कीमत में वृद्धि होने के कारण उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। कीमत में वृद्धि हुई 10 हो गया और मात्रा 1 रह गई, मीन्स मांग हमारी कम हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, मांग का संकुचन। यही हमारे इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन में क्या था कि प्राइस कम होना हुई तो हमारी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई, डिमांड बढ़ गई, ठीक है, इसको बोला हमने एक्सटेंशन। और कंट्रैक्शन में क्या हुआ, प्राइस बढ़ी तो हमारी डिमांड कम हो गई, ठीक है। तो ये एरो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या आ रहा है,
यहाँ से यहाँ लेकर हमारी डिमांड बढ़ी है ये वाले पॉइंट से, ठीक है। तो इसको बोला हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ये एरो दिखाया गया। यहाँ क्या हुआ है कि हमारी डिमांड इतनी थी और कम होकर इतनी एक ही रह गई है ना, डिमांड कम हुई है ना हमारी, एक रह गई है पाँच से। तो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या बता रहा है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो आज का टॉपिक आपका यही था। तो आज हमने जो किया है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किया है, मांग की मात्रा में परिवर्तन किया है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए आपका इस चैप्टर में, थियरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में अब तक जो टॉपिक हो चुके हैं इससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।